आपके बॉडी पे किस तरह से मैजिकल वर्क करता है वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरे कहने से एक बार जरूर उसे ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कितना अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है और कितना अच्छा आपको कितनी मतलब स्वस्थ तरीके से वो आपको पतला करता है। और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड बहुत ही जल्दी एक प्रोफेशनल जो मेकअप ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे न्यू चैनल का लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे दे दिया है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपको लेना है एक पैन, और इसके बाद आपको लेना है काले तिल, और इसको डालना है आपको पैन में। इसके बाद लो फ्लेम पे करते हुए आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो तिल है उन्होंने चटकना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स हमारे जो तिल हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, और अब आपको क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसी आंच पे आपको रखना है। और ये तिल देख रहे हैं चटक रहे हैं, और चटक इस मीन्स कि आपको ठंडा होने देना है। तो जितना ज़्यादा रोस्ट होना होगा ये रोस्ट हो जाएंगे, आप इसे चला दीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। ठंडा हो जाए तब आपको इसे ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है बिल्कुल महीन। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, लेना है अदरक बहुत अच्छे से धुली हुई, क्योंकि एज यू नो कोरोना चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे से धुली हुई लेनी है, और आपको इसका जूस लेना है। तो इसका जूस लेने के लिए आप ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लीजिए, देन उसके बाद आप इसका जूस ले लीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको लेना है गुनगुना पानी, एंड अदरक को ग्रेट करने के बाद आपको लेना है 2 से 3 चम्मच अदरक का जूस, और आधा चम्मच लेना है आपको तिल का पाउडर, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, एज यू नो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बी कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पेट को काफ़ी अच्छा रखता है और काफ़ी सही रखता है। फ्रेंड्स, अगर मैं तिल की बात करूं तो तिल के बीज में मोनो असंतृप्त फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, या आपके रक्त प्रवाह में HDL के स्तर रखते हैं, या धमनी रोग और स्ट्रोक की समस्या को शुरुआत में ही रोकने का काम करते हैं। और साथ ही साथ इसमें तिल के बीज में प्रोटीन और अमीनो एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते हैं और आपके वजन को कम करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, यानी कि चर्बी को पूरी तरह से बॉडी से पिघला के बाहर कर देते हैं। ये छोटे से काले दाने कितने ज्यादा मैजिक वर्क करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको इसने मेरी बॉडी पे काफ़ी अच्छा वर्क किया है, मेरे कलीग के बॉडी पे काफ़ी अच्छा वर्क किया है। कलीग इन द सेंस कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे कलीग जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे दो दो चैनल को रन करने में हेल्प करते हैं, उनको भी इसने काफ़ी हेल्प किया है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।